हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बस ये देखेंगे कि जो भी 2021 के इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देने वाला है, 2021 के इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देने वाला है, याद रखना। या फिर बैक पेपर जिसका भी होने वाला है, क्या है वे बैक पेपर जिसका भी होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। हमें लगता है कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ है? कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, समझेंगे सभी लोग, समझेंगे ध्यान से सभी लोग। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ बोला गया है बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट होने वाला है, जैसे एमजेपी आर्य रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हो गए, या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हैं, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जिसे बोलते हैं, तो आप या लखनऊ यूनिवर्सिटी से जिसका रिटन एग्जाम हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि 85% लिख के ले लेना, लिख के ले लेना, स्टाम्प पे लिख सकते हो, स्टाम्प पे साइन करा सकते हो, 85% यहां से आएगा। समझ रहे हो ना? तो कुछ भी हो जाए, मैं जो बोल रहा हूं वो इतना याद कर लो, 100% एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पास होने की गारंटी नहीं, बल्कि मैं 85 दिलाने की गारंटी देता हूं, मैं प्रूफ के साथ में। पेपर देख के जाओगे तो सारे क्वेश्चन यही रिपीट होंगे, आप देख लेना। मैं आपको बता रहा हूं, इंप्रूवमेंट देने वाले हो तो आप ध्यान से देख लेना। पब्लिक फाइनेंस का है, जैसे सामाजिक वित्त या फिर लोक वित्त के नाम से पेपर आपका होता है। इसमें क्या होगा, कर क्या होता है, कर की परिभाषा अच्छी तरीके से देख लेना। अब कर दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों कर के अंदर ही प्रकार आ जाएंगे कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, आप क्या समझते हैं उनके गुण दोषों को याद कर लेना। जब आप कर पढ़ेंगे कर क्या होता है, तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। उन दोनों करों के बारे में आप पढ़ेंगे और उनके गुण और दोष क्या है वो याद करेंगे। उसके बाद में आता है सार्वजनिक व्यय क्या होता है, व्यय माने खर्च, सार्वजनिक खर्च क्या होता है, उसके आर्थिक प्रभावों के बारे में और उत्पादन का वर्णन आप देखेंगे। उसके बाद में है राज्य, कह सकते हैं राजस्व की परिभाषा क्या होती है और उसकी प्रकृति विषय क्षेत्र उसके महत्व के बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक लगाएंगे फटाफट अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं बता दूं, ये जो है ना, ये क्वेश्चन के आंसर हम लोग करा देंगे बहुत जल्दी आपको, ठीक है। ये है सार्वजनिक वित्त क्या होता है, जिसे हम सार्वजनिक वित्त और या फिर कैसे बा आपको तथा एंड में एक और देखना है जिसे कहते हैं निजी वित्त या फिर प्राइवेट वित्त कहते हैं इसको। ये पब्लिक वित्त कहलाता है, ये क्या है निजी वित्त है। इन दोनों में समानताएं असमानताएं क्या है उनका वर्णन करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत की व्याख्या करनी है। अब देखो, अधिकतम जो सामाजिक कल्याण सिद्धांत होता है उसकी व्याख्या को देख लेना है। अब देखो, मैंने करा करों के उत्पादन तथा वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करना है, मतलब कि जो कर है हमारे, जो कर है उनके उत्पादन किस प्रकार से होता है तथा उनके वितरण पर पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में देख लेना है, उसमें प्रभाव क्या पड़ता है। ये क्वेश्चन को याद करेंगे, अपने बुक को ओपन करो, उसमें ये क्वेश्चन दिया होगा कि करों के उत्पादन वितरण के पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक व्यय क्या होता है वो आप देखेंगे। आधुनिक युग, देखिए आधुनिक युग में सार्वजनिक व्ययों का वृद्धि का कारण क्या है, मतलब आधुनिक युग में जो सार्वजनिक जो कह सकते हैं सार्वजनिक व्यय था उसकी वृद्धि हुई है, वो वृद्धि होने का कारण क्या था वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे फटाफट लगा दो। उसके बाद में क्या होगा, देखो ये क्या है, ये सार्वजनिक व्यय है, ये भी सार्वजनिक व्यय है, कि वृद्धों का सिद्धांत बताइए, वही आप ऊपर वाला रिपीट कर देना, इसको यहां मत याद करो, ठीक है। हिनार्थ जो प्रबंधन है से आप क्या समझते हैं, हिनार्थ प्रबंधन से क्या समझते हैं, उनके गुण दोष उनके सिद्ध उनकी विधि का उल्लेख कर लेना है, इसको याद करिएगा। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सार्वजनिक ऋण इफेक्ट या प्रभाव, इफेक्ट को प्रभावी कहते हैं, तो प्रभावों का वर्णन करना है, उनके इफेक्टों को देखना है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है सार्वजनिक ऋण क्या होता है, सार्वजनिक ऋण होता क्या है उसके बारे में, उनका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, महत्व और उद्देश्यों को याद कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये है बजट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट किसे कहते हैं और भारत में बजट प्रक्रिया की विवेचना करनी है, भारत में बजट प्रक्रिया की विवेचना करनी है, ये क्वेश्चन को याद करेंगे। भारतीय कर की प्रणाली के गुण दोषों में एक अच्छी कर प्रणाली का निर्धारण तत्वों की विवेचना करना, इसको छोड़ दो,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले देखो, टिक लगाओ इस वाले पे। लोक वित्त क्या होता है, उसका क्षेत्र कौन सा है, और राजकोषीय नीति व उनकी विशेषताओं के बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट वस्तु क्या होती है, बजट घाटे के बारे में, राजकोषीय घाटा क्या होता है, इनमें अंतर पूछ लेता है कि उत्कृष्ट वस्तु, बजट घाटे एंड राजकोषीय घाटे में अंतर बताइए। इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगा लो। ये शॉर्ट में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ये है सामाजिक व्यय की वृद्धि का कारण क्या है, सामाजिक व्यय की वृद्धि का कारण क्या है, एक सामाजिक व्यय खर्च हुआ उसकी वृद्धि का कारण हम ऊपर भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं आपको याद है, आपने टिक लगाया होगा। उनके करों की विशेषताओं के बारे में ये पूरा हम ऊपर करा चुके हैं, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर करा चुके हैं हम लोग कि सामाजिक व्यय की वृद्धि किस कारण होती है, वो मैंने आपको पता रखा है। सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु में अंतर पूछ लेता है, सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु, सरकारी और निजी मतलब प्राइवेट वस्तु में अंतर क्या होता है, यह बता ही सकते हैं। इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ एक बार पढ़ोगे सब कुछ आपको बना बना के लिखाओगे। यहाँ बोला गया भारत सरकार ने सार्वजनिक व्यय की वृद्धि को क्या उचित कार्य है, तो ये आपको बताना है कि भारत सरकार के जो सामाजिक व्यय है उनकी जो वृद्धि हुई है उसका उचित कार्य क्या है, उसका उचित कार्य क्या है जो वृद्धि हुई है उनके खर्चों में। यहाँ कह रहा है कर और कीमत में अंतर क्या होता है, कर और कीमत में अंतर और साथ ही साथ मूल्य वृद्धि क्या है, उसके लाभ क्या है। मूल्य वृद्धि किसे कहते हैं, जिसे BAT कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मूल्य वृद्धि के बारे में याद कर लेना। और ये है आपका इसकी, ये है देखिए कराघात और करापात में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है कराघात करापात में अंतर, ठीक है। कर का वितरण की विशेषता क्या होती है, कर आप तो जानते हैं, टैक्स किसे कहते हैं सब लोग जानते होंगे। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है ये आप बताएंगे, लोक आगम से आप क्या समझते हैं ये आप याद करेंगे। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारा निष्पादन बजट से आप क्या समझते हैं। अब निष्पादन बजट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, बस इतना आपको याद करना है, बाकी कुछ इसमें नहीं देखना है। ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए होगा जिसका अलग अलग पेपर हो रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, बाकी मेन एग्जाम के लिए 2022 को बहुत ही जल्दी हम अपलोड कर देंगे। 2022 में आने वाले क्वेश्चन आप उनको देख लेना, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो भी आप शेयर कर रहे हो आपके पास जो भी ग्रुप है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है जिसका नाम है BCOM पेपर हैकर यूट्यूब चैनल है, देखो बहुत सारे चैनल दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, BCOM पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे आपको BCOM की ही वीडियो मिलेंगी, बाकी कोई और नहीं मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।